करके गांव में किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 10 रुपया कर करके फिर हमने ये पुल बना रखा था। लेकिन बदकिस्मती से मार्च के महीने में सिर्फ सैलाब आ गया, दरिया बर्द हो गया था। ये पूरा एक जो यहाँ पे हमारा इलाका, इसी पुल की बिना पे हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। क्योंकि स्कूल बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके लड़के यहाँ आते हैं कार्यों में स्कूल के लिए, लेकिन पुल होने की ना होने की वजह से सफ़र करना पड़ता है, घुसी से जाना पड़ता है, ताकि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हमें रोज़ाना ये निकालना पड़ता है। हम कुशवारी के रहने वाले हैं, जो कि नाले कहमिल के किनारे पर वाका है, जिसकी आबादी कम से कम 500-600 लोग हैं। और हमारा एक पिछले 15 साल से ये पुल यहाँ लेके पीछे बना रहे थे, पिछले 15 सालों से इस पर काम अभी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या वजह है, जाते हैं पीसी वाले के पास, वो बोलते कि डी साहब बोल, डी साहब के पास जाओ तो हमारे पास फंड्स नहीं है। फिर हमें इस बरकस हमने फिर कम से कम 15 साल तक इंतजार करना पड़ा। फिर हमने राज नवंबर में, जब हमें हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे थे, प्राइवेट स्कूल में जा रहे पढ़ने के लिए, लेकिन इनका कोई लिटरी, अगर हम यहाँ से जाएंगे गाड़ी में तो इनको लगता है 50 रुपये किराया, यहाँ से शॉर्ट कट 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट रास्ता होने के नाते हमने फिर डोनेशन करके गाँव में किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 10 रुपया कर करके फिर हमने ये पुल बना रखा था। लेकिन बदकिस्मती से मार्च के महीने में फिर सैलाब आ गया और ये फिर दरिया बंद हो गया था। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि जे के पीसी वाले भी नहीं करते हैं, फिर हम आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर इनका और भी मुश्किल हो जाने के लिए। अब हम डीसी साहब और इन गवर्नर एग्जाम से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस पसमदा गाँव की तरफ से खास तवज्जो दिए और हमें इस से नजात दिलवाए। मेहरबानी करके आपकी वसालत से हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब को, गवर्नर इंतजामिया को, कि हमें इस दरिया से नजात पाए और हमें यहाँ से पुल पार करने के लिए कुछ हमारी अहमत करें। पहला ये है कि मैं यहाँ ही रहता हूँ, यहाँ का लोकल हूँ मैं, कुशवाहा का हूँ मैं। क्योंकि आपको पता है कि ये पुल पिछले तकरीबन 20 साल से बन रहा है, तो पुल ना होने की वजह से हम लोगों ने कुशवाहा लोगों ने हमारा जो यहाँ पे औकाफ कमेटी, हमने पैसा जमा करके ये पुल तैयार किया। क्योंकि तकरीबन एक महीने पहले यहाँ पे एक सैलाब आया था, जिस दिन बारिश पड़ी थी तो उसने ये पूरा पुल जो हमारा था पूरा सैलाब में बह गया। तो आज हम गवर्नमेंट इंतजामिया से, जो हमारा गवर्नमेंट इंतजामिया अभी यहाँ पे है, डी साहब से भी अपील करते हैं कि हमारा जो ये पुल है जल्द से जल्द कंप्लीट करें। क्योंकि डी साहब खुद भी आए थे बैक टू विलेज टू में, उसने हमारे साथ पंचायत ने ये प्रॉमिस किया था कि हमारे पास पैसा है, लेबर नहीं है। क्या वजह हुआ कि अगर पैसा है लेबर क्यों नहीं है, लेबर हम भी दे सकते थे, लोकल लेबर, लेकिन ना पुल तैयार हो रहा है, जो हमारी मुश्किलात है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस ये पुल पुशवारी के लिए नहीं, बल्कि जो हमारा ये इलाका है, हांजीपुरा है, कुनन है, पोशपुरा है, जैसा हमारा दीदीपुट है, घोटीगो है, ये पूरा एक जो यहाँ पे हमारा इलाका, इसी पुल की बिना पे हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। क्योंकि स्कूल बच्चे भी कुनन जाते हैं, वहाँ के लड़के यहाँ आते हैं कार्यों में स्कूल के लिए, लेकिन पुल होने की ना होने की वजह से सफ़र करना पड़ता है, घुसी से जाना पड़ता है, ताकि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हमें रोज़ाना ये निकालना पड़ता है। और मैं अपनी वसात से, हमारे लोगों की वसात से, गोरे मिलने से ये फील करता हूँ कि ये जो हमारा पुल है, अगर आपके पास पैसा है तो लेबर आप खुद इंतजाम करें। क्योंकि पीसीसी, हम डिपार्टमेंट के पास भी गए थे, वो कह रहे हैं कि डी साहब हमें पैसा नहीं दे रहा है, डी साहब कह रहे हैं कि पैसा है लेबर नहीं है। आज लेबर भी है पैसा भी है तो पुल का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है।